अगर आप किसी अंधेरे सुनसान रास्ते पे अकेले जा रहे हो और आपको कोई अनजान शख्स दिखे तो भूल कर भी उनसे बातें मत करना, ना ही उनकी तरफ देखना, क्योंकि क्या पता वो अनजान शख्स कोई छलावा हो। वेलकम बैक अगेन। छलावा या स्किन वॉकर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज होते हुए देखा है कि छलावा और स्किन वॉकर्स बिल्कुल एक है, क्योंकि इन दोनों की एबिलिटीज एकदम सेम टू सेम है, सेफ शिफ्टिंग। तो क्या है ये दोनों, क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर और उनके वेस्टर्न साइड कल्चर में इन दोनों का बहुत ही ज़्यादा उल्लेख मिलता है। आज भी बहुत सारे लोग छलावा का शिकार और बहुत सारे लोग स्किन वॉकर्स का शिकार होते हैं। बट एग्जैक्टली छलावा और स्किन वॉकर्स है क्या, जानेंगे बहुत डिस्क्रिप्शन से ब्रीफली। गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले, ये शायद मेरा 60th टैक है। रात को मैंने परफेक्ट वीडियो बना दिया था तकरीबन 17-18 मिनट्स का, लेकिन वो वीडियो इतना ख़राब था ना मैं बता नहीं सकता। मेरे को ना इतना ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग्स हो रही थी, इतनी ज़्यादा, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई देख रहा है, हॉन्ट कर रहा है लिटरली। और मैं वीडियो बना रहा हूँ, अब तक मेरा 34 वीडियोस डाल चुका हूँ चैनल पे, लेकिन ये फर्स्ट टाइम, एक हुआ था कर्णव पिशाचिनी के टाइम पे, दूसरी चीज़ कल रात को हुई थी, रात के 12:30 बजे 1 बजे मैं वीडियो बना रहा था। मैं कभी ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ, बट यस्टरडे आई वॉज टोटली अनकम्फर्टेबल, इतना ज़्यादा अनकम्फर्टेबल था कि मैं वीडियो बनाया, कंप्लीट बनाया, मैं ब्लूपर्स भी डाल दूंगा, क्योंकि वीडियो पे ना बैकग्राउंड पे बहुत सारी अजीब अजीब आवाज़ें आ रही, कोई हमारे घर के चीज़ें गिर रही हैं, कुछ भी हो रहा है। तो गाइज अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा बोर लगे या फिर डिले लगे या फिर कुछ भी हो तो प्लीज़ गाइज सपोर्ट कर लेना। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग छलावा से स्टार्ट करेंगे उनकी ओरिजिन स्टोरी, उनकी ओरिजिन क्या है, उनकी पावर्स क्या है, उनकी एबिलिटीज़ क्या है, और वो कहाँ पे रहते हैं या फिर वो छलावा बेसिकली कहाँ दिखने को मिलता है, देन उनको कैसे हराया जा सकता है, उनको डिफीट कैसे किया जा सकता है, राइट? तो छलावा और स्किन वॉकर्स को लेके बहुत ही लोगों में कंफ्यूजन पहले तो आ जाती है कि छलावा जो होता है हमारे इंडियन कल्चर में और वेस्टर्न कल्चर में जो है नॉर्थ अमेरिका, कहते हैं कि ये दोनों एग्जैक्टली सेम है। बट मैं आपको बता दूँ, हमारे पुराणों में छलावा का कहीं पे मेंशन हो नहीं है, लेकिन हमारे जो पुराण हैं वहाँ पे 64 लाख योनि के प्रेत रहते हैं, तो छलावा एक वैसा ही प्रेत है। तो छलावा बेसिकली उन प्रेतों को कहा जाता है जो अनडिज़ायर डेथ को हासिल करते हैं, अगर किसी को धोखे से मार दिया गया हो या फिर छल से मार दिया गया हो। छलावा यानी कि छल का अर्थ है धोखा, अगर आप किसी को धोखा दे के मारे हो या फिर छलावा का मेन चीज़ है आपको छलना, किसी को ठगना, किसी को छलना, किसी को धोखा देना, तो ये उनकी एबिलिटीज़ है। तो छलावा बेसिकली उन प्रेतों को कहा जाता है जो अनडिज़ायरफुल डेथ मरते हैं, या फिर किसी को धोखे से मार दिया जाता है, या फिर जो भी इंसान अपने पूरी लाइफ में हीनियस क्राइम किया हो या फिर हीनियस एक्ट किया हो और वो अगर एक अनडिज़ायरफुल डेथ मर जाता है, देन वो छलावा की कैटेगरी में आ जाता है, वो एक प्रेत योनि में आ जाता है। और ऐसा नहीं कि छलावा गुड स्पिरिट्स होते हैं, इविल स्पिरिट्स, नहीं, ये पूरी तरह से प्योर इविल होते हैं, प्योर इविल, इतने ज़्यादा इविल होते हैं कि ये आपको मारने से पीछे नहीं हटता है। ये हो गया उनकी ओरिजिन। दूसरी चीज़ उनकी पावर्स। छलावा का सबसे मेन पावर है कि वो किसी का भी रूप ले सकता है, वो जिस इंसान को मारेगा उस इंसान का रूप ले सकता है, या फिर कहीं पर भी, आपने फियर फाइल्स में भी, एक फियर फाइल्स में एक बहुत अच्छा एपिसोड है जिसमें आई थिंक पुणे टू मुंबई जाने वाली कोई रोड है या फिर ऐसा कुछ की है, एक हाईवे है जो आज भी हॉन्टेड है, आज भी हॉन्टेड है गाइस, छलावा वहाँ पे आज भी दिखते हैं। क्योंकि 2021 में मेरा जो पैरानॉर्मल टीम था उसमें आकाश जो बंदा है वो लोग विजिट किए थे, हालांकि वो लोग दिन के टाइम पे विजिट किए थे, ये 3-4 बजे के टाइम पे शाम होने को आई, तो उन्होंने कहा कि भाई आज भी वहाँ पे नेगेटिव वाइब्स है और वहाँ पे एक्टिविटी होती है, बहुत लोग उनकी डेड बॉडीज वहाँ पे मिलती है, लोगों को पता नहीं है आज भी। तो इसके ऊपर एक बेस्ड फियर फाइल्स में एक बहुत अच्छा खासा एपिसोड है, मैं आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख लेना आप। तो बेसिकली छलावा का मेन पावर है लोगों को छलना,
वो किसी भी इंसान का रूप लेके आपको छलेंगे, आपके रिश्तेदार हो या फिर आपके कोई भी ऐसा इंसान जिसको आप अनजान इंसान हो, जिसके ऊपर आप आसान से ट्रस्ट कर सकते हैं। आप अगर किसी जगह पे जा रहे हो और वो इंसान मिल जाए, तो सुनसान रास्ते पे अगर आपको वो इंसान मिल जाए तो वो छलावा है। ऐसा नहीं कि हर इंसान है, लेकिन छलावा को पहचानने की एक बहुत अच्छी तरीका है जो कि नेक्स्ट अभी बताने वाला हूँ। अगर आप किसी भी इंसान के आई लिड्स पे यहाँ पे देखोगे तो आपकी जो पिक्चर है ना वो सीधी दिखेगी, लेकिन छलावा को पहचानने का एक ही उपाय है, उनकी आंखों में देखना। अगर उनकी आंखों में आप देखोगे और अगर आपकी जो प्रतिबिंब है मतलब परछाई है वो उल्टी नजर आए, तो जान लेना कि वो एक छलावा है। ये है उनकी पहचान, उनके पावर्स के बारे में बोल दिया कि वो किसी का भी रूप ले सकते हैं। आपके फैमिली मेम्बर्स में से किसी का रूप लेके आपको हॉन्ट करेंगे, आपको इतना मजबूर कर देंगे कि आपको वो इतना ज़्यादा यकीन दिला देंगे कि आपको लगेगा कि सच में आपके पापा या फिर मम्मी खड़े हैं और आप उनके साथ चल दोगे। वंस आप उनके साथ चल दिए, खत्म, मर गए आप, चांस बचने का कोई चांस नहीं है आपके पास, स्वर्ग सीधा जाओगे सीधा। अब छलावा से बचने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम ये जानते हैं कि छलावा एग्जैक्टली किन किन जगहों पे मिलते हैं। छलावा बेसिकली सुनसान रास्ते पे मिलते हैं, जो कि अनबैंड या फिर अबैंडन रोड्स होते हैं वहाँ पे छलावा मिलता है। जैसे कि हमारे उड़ीसा में एक जगह है, आपको पता होगा खंडगिरी उदयगिरी, अगर आपको नहीं पता, जहाँ पे हमारे खंडगिरी उदयगिरी जो बहुत बड़ा मतलब लाइक स्टोन केव्स कहा जाता है, पुराने 261 BC के हैं, तो वहाँ से एक शॉर्ट रूट निकलता है कोणार्क टेम्पल जाने के लिए, उसको हम लोग कोणार्क चंद्रिका रोड बोलते हैं, जंगल वाला रोड है। वहाँ पे आज भी छलावा मिलता है, और ऐसा नहीं कि रेगुलरली मिलते हैं, क्योंकि बेसिकली ना आजकल वहाँ पे लूटपाट बहुत ज़्यादा होती है। इंसान गए होंगे छलावा ढूंढने, लेकिन माफिया गया है यहाँ के, आपको वह लिटरली होता है भाई, यहाँ पे क्राइम्स बहुत ज़्यादा है लिटरली, मैं खुद यहाँ क्योंकि मैं बता रहा हूँ। और उस जगह पे छलावा मिलता है, आप अगर अक्षय वशिष्ठ जानते हो उनके चैनल को, मैं होगा तो उनका भी एक डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, उन्होंने हमारे ओडिशा के 2007 का एक स्टोरी बताया था, नैरेट किया था, तो वो एक रियल स्टोरी है, मैं बता दूंगा आपको, वो देख लेना। तो छलावा बेसिकली अबेंडन रोड, सुनसान रोड, या फिर कोई ऐसा तालाब जो एकदम सुनसान पड़ा हुआ हो, अबेंडन पॉन्ड या फिर अबेंडन फॉरेस्ट, ऐसी जगहों पे छलावा आपको दिखने को मिल जाएंगी। छलावा बेसिकली जो होता है ना, स्किन वॉकर्स जो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के भी फॉर्म ले सकते हैं, छलावा वैसा नहीं हो सकता। छलावा सिर्फ उन इंसानों का रूप ले सकता है, अगर देखो अगर आप अपनी फैमिली ट्रिप पे जा रहे हो और अगर आप कहीं भटक गए, तो आपके फैमिली में से किसी का भी रूप लेके आपको हॉन्ट कर सकता है, आपको बुलाएगा या फिर आपको, अरे बेटा यहाँ पे क्या कर रहे हो, चलो मेरे साथ, तो आपको हॉन्ट करेगा। लेकिन अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो, तो छलावा कहते हैं कि छलावा उन इंसानों का रूप ले सकता है जिन इंसानों को वो मार चुका है, मतलब जितने इंसान वो मार चुका होगा उन सभी के रूप लेके वो आपको हॉन्ट करेगा, और अगर आप लकी हो तो आप बच सकते हो। अब दूसरी तीसरी बात हो गई, चौथी बात, छलावा से बचा कैसे जाए। देखो सबसे बेस्ट तरीका छलावा से बचने का, अगर अगर किसी एरिया पे फंस जाते हो और उस एरिया पे अगर आपको कोई मंदिर दिख जाए, तो आप जाके पूरी रात वहीं पे रहना आप प्रेफर कर लो, क्योंकि छलावाओं की जो ताकत होती है वो दिन के टाइम पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, और वो दिन के टाइम कुछ करने के लायक नहीं रहते, लेकिन रात के टाइम वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पावरफुल रहता है, आप उनको हरा नहीं सकते हो। और ऐसा है, अगर आप एक जगह पे फंस गए हो और वहाँ पे कोई आसपास मंदिर या फिर ऐसा कोई स्थान नहीं है जो पूरा पॉजिटिव एनर्जी हो, जो दैविक शक्तियों से भरपूर हो, तो आप बेसिकली हनुमान चालीसा या फिर दुर्गा सहस्त्रनाम या फिर काल भैरव अष्टकम, इन तीनों का पाठ कर सकते हो। नरसिंह महामंत्र इज ऑल्सो बेस्ट वन। इन सब का पाठ अगर आप करोगे कंटिन्यूसली, लेकिन आपको करना पड़ेगा, आपको तब तक करना पड़ेगा जब तक आप उनके दायरे से बाहर नहीं जा सकते। आप तब तक इन सब का चैंट करते रहो जब तक आप ना उनके रेडियस से बाहर नहीं आ जाते। उनका ना एक पर्टिकुलर दायरा होता है, लाइक मान लो कि ये एक जंगल है या फिर एक रोड है, सुनसान रोड है, यहाँ से आपको निकलना है, तो वो जो है वो 10 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और तब तक आपको चैंट करना पड़ेगा उन पॉजिटिव एनर्जी के सहारे,
जब तक आप उस एरिया के रेडियस से बाहर नहीं निकल जाओ। एक बार आप अगर निकल गए, छलावा नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो उसका घर है, आप उसके घर में घुसे हो। जब आप उसके घर से बाहर निकल आओगे, वो आपके पीछे कभी नहीं आ पाएगा, वो वहीं पर रह जाएगा। हाँ, एक और बात, अगर आप उस जगह पर फंस जाते हो, आपने अक्सर मूवीज़ या फिर बहुत सारे हॉरर शो में देखा है कि इंसान घूम फिर के उसी जगह बार बार आ रहा है, तो छलावा ऑल्सो क्रिएट इल्यूजन्स। वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है अपने इलाके पे कि वो इतना गंदा वाला इल्यूशन करेगा और इतना गंदा वाला छलेगा ना आपको, आपको बार 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 आप उसी जगह पे आके अटकोगे। तो ये था एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन और ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट छलावा। नाउ लेट्स अहेड टू द स्किन वॉकर्स। बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्किन वॉकर्स छलावा ही है, जो वेस्टर्न कल्चर में उसको स्किन वॉकर्स कहा जाता है, बट लेट मी क्लियर यू, दिस इज टोटली रॉन्ग। छलावा जो है वो इंसान मरने के बाद बनता है, एक प्रेत योनि में जाता है, लेकिन स्किन वॉकर्स जो हैं वो बेसिकली एक विच क्राफ्ट को परफॉर्म करके, वो लोग ना अपना डार्क केओस मैजिक को परफॉर्म करके वो पावर्स को हासिल करता है। तो नोवाहो कल्चर या फिर नोवाहो कल्चर में येल नाडुशी का सिंपल टर्म ये है कि ही शी और इट विच कैन विच वॉक अराउंड ऑन फोर लेग्स, जो चार पैरों पे चल सकता है या फिर चलता हो, उसको कहते हैं स्किन वॉकर्स। तो ये नाडुशी जो है स्किन वॉकर्स को ना नवाहो कल्चर में येल नाडुशी कहा जाता है, ठीक है। तो इनका मतलब ये है कि जो चार पैरों पे चलने वाला हो या फिर चल सकता हो। तो नॉर्थ अमेरिका के पीपल्स आज भी स्किन वॉकर्स को एनकाउंटर करते हैं। बहुत सारे आपको YouTube में मिल जाएंगे, अगर हुआ तो मैं भी शॉर्ट्स में डाल दूंगा। तो बेसिकली स्किन वॉकर्स बनते कैसे हैं, और एक रियल चीज़ है जहाँ पे एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने स्किन वॉकर्स के कबीले ट्राइब्स पे जाके उनके साथ इंटरेक्ट किया था, उनका इंटरव्यू लिया था, और अपनी एक बुक भी है, उस बुक को भी लिखा था उन्होंने। तो बेसिकली स्किन वॉकर्स उनको कहा जाता है जो ना डार्क केओश या फिर डार्क रिचुअल को परफॉर्म करके किसी अपने या फिर अपने फैमिली मेम्बर के बहुत करीब इंसान को मार के, उनकी बलि चढ़ा के, उन डार्क केओश मैजिक को वो एक्चुअल में गेन करते हैं, और उन पावर्स को ना वो सिर्फ हॉन्ट करने के लिए, अपने विक्टिम्स को मारने के लिए ही यूज़ करते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि वो अच्छे आत्माएं हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। स्किन वॉकर्स ना लिटरली दे टर्न देमसेल्व इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स, लाइक केओटीज हो गया, वुल्व्स, डॉग्स, देन आउल, क्रो, ईगल, इन सब पे वो कन्वर्ट हो सकते हैं। एंड इवन ये भी कहा जाता है कि वो एक डिजॉर्टेड ह्यूमनॉइड फिगर को भी ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आप स्किन वॉकर के आंखों पे देखते हो तो वो ना लिटरली आपको वश में करके आपकी मेमोरीज को पढ़ सकता है, आपको अपने कंट्रोल में लेके आपको मार सकता है। एंड एक बार उन्होंने आपको मार दिया तो वो आपके स्किन को निकाल के पहन लेते हैं, बिकॉज ऑफ दैट दे आर कॉल्ड स्किन वॉकर्स। और कहा जाता है कि बहुत ऐसी का मतलब लाइक आई डोंट नो इट्स रूमर और नॉट, ये भी कहता है कि जो स्किन वॉकर्स होते हैं वो ना डिफरेंट एनिमल्स को हॉन्ट करके उनका स्किन निकालते हैं, एंड जब ज़रूरत पड़ती है उस स्किन को पहन के उनके सब बन के वो परफॉर्म अपने विक्टिम्स का हंट करते हैं। जो अपना एक है ना नेस्फेराटू जो वैम्पायर्स है, उसको हम लोग स्किन वॉकर तो कंसिडर नहीं करेंगे, बट दे कैन ऑल्सो सेफ शिफ्ट। और ये था एक ओरिजिन जो कि स्किन वॉकर्स का था। लेकिन मैंने ना एक छोटा सा बनाया है यहाँ पे। तो बेसिकली जो भी आपके फैमिली में स्किन वॉकर्स का भी एक ऐसा है कि वो आपकी फैमिली, जैसे छलावा है वैसे स्किन वॉकर्स भी आपके किसी भी फैमिली मेंबर्स का रूप लेके आपको हंट कर सकते हैं वगैरह वगैरह। अभी नाउ अभी यहाँ पे ना मैं कंप्यूटर भी खोल के बैठा हूँ, क्योंकि ऑनेस्टली बताऊँ कल रात को ऐसा सिचुएशन आ गया था कि भाई बहुत ही बेकार वाला सिचुएशन, क्योंकि ये वीडियो मैं दिन में बना रहा हूँ, आज ये शाम को अपलोड हो जाएगा। रात को मैंने वीडियो कम्प्लीटली बनाई थी, लेकिन वो
मेरे लिए बहुत, आई थिंक मेरा जो ये फर्स्ट वीडियो है जो जिसमें मैं इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील किया ना, मैं इस टॉपिक को लेके, और कहते हैं कि जहाँ पे स्किन वॉकर्स का अगर नाम लोगे तो वो आ जाते हैं, तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता। लेकिन हाँ, कल रात भाई बहुत ज़्यादा अनयूजुअल एक्टिविटी भी हुई है, अगर होगा तो मैं ब्लूपर्स डाल दूंगा। इतनी ज़्यादा अनयूजुअल एक्टिविटी हुई है मेरे घर में, आपको बता नहीं सकता। और ख़ास करके मैं इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गया ना, मैं वीडियो कंप्लीट तो बनाया लेकिन मतलब अभी जैसा मैं नैरेट कर रहा हूँ ना वैसा बिल्कुल नहीं था। मैं फर्स्ट टाइम, मुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगा। तो स्किन वॉकर्स तो मैंने बता दिया क्या है एग्जैक्टली। यहाँ पे ना अब सीक्रेट ऑफ एक्चुअली में वो एक विचक्राफ्ट होता है, जिसमें ना स्किन वॉकर्स जो है वो बेसिकली एक विचिस, मतलब एक विच पता है ना आपको, तो वो मेल और फीमेल दोनों होते हैं। लाइक विच तो फीमेल को ही कहते हैं लेकिन मेल्स को विजर्ड कहते हैं। तो मोस्टली मेल पर्सन्स ही ज़्यादा स्किन वॉकर्स बनते हैं, और उनकी सीक्रेट वही है कि वो ना डार्क केओस मैजिक को परफॉर्म करते हैं। कहते हैं बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि वो डेविल को वर्शिप करते हैं और उनसे डार्क केओस मैजिक से पावर गेन करते हैं ऑल। लेकिन अब यहाँ पे ना मैं निकाल के बैठा हूँ तो कुछ नैरेट यहाँ पे भी कर लेते हैं। तो उनकी सुपरनैचुरल एबिलिटीज तो मैंने बता दी है, लेकिन जो सीक्रेट है, जो नवाहो विचेस का या फिर नवाहो ट्राइब का जो सीक्रेट है मैं बता देता हूँ। एक फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट है क्लाइड क्लॉकहॉर्न, 1944 में उनकी एक बुक निकली थी, तो बुक का नाम तो मुझे नहीं पता, मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उन्होंने ना स्पेसिफिकली एक बुक लिखी थी, इन्फ्लुएंसिंग ऑफ इवेंट्स बाय सुपरनैचुरल टेक्निक्स दैट आर सोशली डिसअप्रूव्ड। तो उन्होंने नवाहो कल्चर का जो विचक्राफ्ट है उसके ऊपर लिटरली एक बुक लिखा था, और उस बंदे को ना सलूट है भाई। वो ना उनके ट्राइब पे जाके बैठ के उनके साथ रह के नवाहो स्पिरिट्स, नवाहो ट्राइब एंड उनके जो पूरा स्किन वॉकर्स का जो बेसिक, अगर आप उनका नाम भी सर्च करोगे ना तो उनके नाम पे जो अबाउट सेक्शन आएगा वो भी यही मेंशन करेगा कि वो बंदा ना नवाहो ट्राइब पे या फिर नवाहो कल्चर पे जाके, मतलब उनके ट्राइब के पास बैठ उनके साथ रह के इंटरव्यू वगैरह करके उनसे सब कुछ निकलवाता था कि वो डार्क मैजिक अपने विक्टिम्स पे कैसे यूज़ करते हैं, कैसे मोस्टली मतलब लाइक अपने आप को स्किन वॉकर बनाते हैं, कैसे वो क्या करते हैं, विचक्राफ्ट्स कैसे करते हैं। तो बेसिकली वो एक इंटरव्यू था, तो यहाँ पे है, बेस्ड ऑन हिज इंटरव्यूज विद नवाहो पीपल क्लॉकहॉर्न पीस्ड टुगेदर जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेरियस फॉर्म्स ऑफ विचक्राफ्ट दैट एग्जिस्ट विद नवाहो लेजेंड। He describes skin walkers as secret witches, mostly male, some female, who creep out in the night to take form of swift moving animals like wolf and coyote. जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि वो wolf, coyote, dogs इन सभी का मतलब लाइक ज़्यादा रूप लेते हैं और अपने अपने विक्टिम्स को हंट करते हैं। तो ये था, और हाँ ये नवाहो जो है, अगर आपको पता नहीं होगा तो जो नवाहो कल्चर है ना, कहीं पे भी इसका लाइक वैम्पायर्स जो है ना, अभी बोला था ना मैंने नस्फराटो वैम्पायर जो है वो ना कहीं इसको नवाहो कल्चर में भी शायद प्रेडिक्ट करते हैं कि ये भी उनके जैसा, क्योंकि नवाहो जो नस्फराटो जो वैम्पायर है वो भी कहीं ना कहीं अच्छी खासी शिफ्ट शिफ्ट करता है, उल्फ हो गया, डॉग्स हो गए, जैसे कि हमारा जो ड्रैक्यूला है वो एक नस्फराटो वैम्पायर है। तो ये है, अब क्या सच में लोगों को स्किन वॉकर्स दिखते हैं? बिल्कुल दिखते हैं। स्किन वॉकर रैंच एक जगह है जो कि आई थिंक कहते हैं शर्मन रैंच भी कहते हैं, वो बॉर्डर ऑफ उंटाई एंड उरे इंडियन रिजर्वेशन में है, उटा में है, ठीक है, उटा बेलोडा में है वो। वहाँ पे ना इतना ज़्यादा लाइक स्ट्रेंज एक्टिविटीज़ होती है, बेसिकली आप अगर हिस्ट्री चैनल्स पे देखोगे तो उनके ऊपर एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री बनी है कि कैसे टेरी शर्मन एक बंदा था, उसका एक कहानी है, वहाँ पे वो कैटल फार्मिंग करने आया था और वहाँ पे उसने लिटरली स्किन वॉकर्स को देखा था, और स्किन वॉकर्स उसके घर में इतना ज़्यादा हलचल मचा दिए थे कि उसके सारे कैटल्स को खा के, मतलब लाइक वो उस बंदे को ना
वहाँ पे जाना पड़ा। और अगर आप मारो कि स्किन वॉकर रैंच, अगर आप गूगल सर्च करोगे तो आपको बड़े बड़े ब्लैक मैजिक, विच क्राफ्ट, डार्क केओस रिचुअल्स परफॉर्म करना, या फिर स्किन वॉकर्स, या फिर मोस्टली वहाँ पे यूएफओ साइटिंग्स होती है। आज भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूएफओ साइटिंग्स होती है, तो मिस्टीरियस एक्टिविटीज, सुपरनैचुरल एक्टिविटीज़ वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा होती है। तो आज भी वहाँ पे इतनी गंदी वाली होती है चीज़ें कि आप बता नहीं सकते। लोग ना लिटरली स्किन वॉकर्स को वहाँ पे देखते हैं। बेसिकली आज तक तो वैसा उस जगह पे ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि लोगों को कोई हंट कर रहा है स्किन वॉकर, बट हाँ लोगों ने देखा है। तो फिर जो शर्मन फैमिली थे उन्होंने भी लाइक यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्कवरी ऑफ साइंस में एक पैरानॉर्मल जो है एक्टिविटीज़, वहाँ पे उनका रियल वाला फोटो ये हुआ है, अगर स्क्रीन पे हो तो आप देख सकते हो। यहाँ पे इन 1996 द समन फैमिली शोल्ड द रैंच टू बिलियनियर रॉबर्ट बिलोग, हु वाज सिग्निफिकेंटली इंटरेस्टेड इन पैरानॉर्मल एक्टिविटी। बैगेलो एस्टैब्लिश द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्कवरी साइंस टू इन्वेस्टिगेट पैरानॉर्मल एक्टिविटीज अकरिंग देयर। तो ये बेसिकली उन्होंने एक पैरानॉर्मल सोसाइटी क्रिएट किया था, नेशनल डिस्कवरी, खास करके इस जगह पे ना वो अपना रिसर्च करने के लिए। तो होगा तो मैं उनका आर्टिकल भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर लिंक दे दूंगा, पढ़ लेना। लेकिन हाँ, इमेजेस तो मैं यहाँ पे डालूंगा ही, और अगर होगा तो छलावा और स्किन वॉकर्स का एक थोड़ा थोड़ा शॉर्ट्स भी डाल दूंगा। तो गाइज आज वीडियो बना रहा हूँ, दिन के 3-4, आई थिंक 2:33 बज रहे हैं, तो वीडियो शाम तक आ जाएगी, 7:38 तक आ जाएगी वीडियो। लेकिन गाइज सच बताऊँ, कल रात मुझे इतना ज़्यादा इरिटेट लगा और मैं इतना ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो गया ना भाई, मैं लिटरली बता रहा हूँ। पहली तो ये सेकंड टाइम हुआ है, फर्स्ट टाइम जब मैं कर्ण पिशाचिनी का वीडियो बना रहा था तब हुआ था मेरे साथ, सेकंड टाइम ये मेरे साथ हो रहा है, कल रात को हुआ। देखते हैं, क्योंकि इसके बाद छलावा पार्ट टू भी आने वाला है, जिसमें मैं अपनी खुद की एक्सप्लेन की भी स्टोरी बताऊंगा। लाइक मेरे साथ हुआ है छलावा, लेकिन वो ऐसा हुआ है कि हम लोग को उसने हॉन्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया, मैंने बस देखा था। हम लोग एक ग्रुप पे जा रहे थे तो हम लोग उस चीज़ को बार बार देख रहे थे ना, वो बताऊंगा। राहुल त्यागी जो मेरा दोस्त है, कोटा राजस्थान में पढ़ रहे हैं एम फार्मा, उनकी एक कहानी बताऊंगा, उन्होंने मुझे बताया था फ़ोन करके कल रात को। हम लोग कल मतलब अभी सुबह, आज सुबह कल वैसे ही बात किए थे हम लोग, तो राहुल और मैं बात कर रहे थे, तो त्यागी जी ने अच्छी खासी हमने बताई। पहले तो हमको बताया था कि कैसा है क्या है, तो राहुल ने मुझे पूरी स्टोरी बताई ब्रीफली। तो बहुत जल्द आपको ये वीडियो भी मिल जाएगा छलावा के ऊपर, कि कैसे राहुल और उसके दोस्त उस छलावा से बचे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस, क्योंकि आपके लिए मेरा चैनल चल रहा है। डू सपोर्ट लाइक दैट, लव यू गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर चैनल, बाय।